subscribe button, and don't forget to press the bell icon to get new updates. एक मेरे पास आज एक नॉर्मल नोट है और एक नॉर्मल पेन है. आपको मैं नोट और पेन का अच्छा मैजिक दिखाऊंगा. इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ नोट को, और पेन को मैं यहाँ से इसको थ्रो कर लेता हूँ, अपर कर लेता हूँ. तो सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि पेन चेक नहीं कराया था मैंने, कि एक नॉर्मल ही पेन है. अब मैं इसको यहाँ से डालता हूँ नोट पेन को, और यहाँ से थ्रो करता हूँ तो ये पार हो जाता है नोट. और कैसे हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ से ये दिख रहा होगा आपको कि नोट पार हो गया, पेन पार हो गया नोट में से. अब क्या होता है, मैं इसको फिर से फोल्ड कर लेता हूँ और मैजिक करते ही खींच लेता हूँ बाहर. और ये नॉर्मल पेन है, और नोट अभी भी पूरा साफ होता है, कहीं से फटा नहीं है बीच में जहाँ पेन आर पार हुआ था. अभी तक आप नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको नोट और पेन का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ. तो पहले क्या करना है, एक स्केच पेन लेना है कोई भी. आपको नॉर्मली एक स्केच पेन मिल जाएगा नॉर्मली, जो छोटा हो चाहे बड़ा हो. इसको मैं खोल लेता हूँ यहाँ से, ये खोल लिया मैंने. और ये यहाँ से इसको निकालना है, ये होता है इसके अंदर. और इसको कट करना है, बस आपको क्या करना है, बीच में से हाफ कट करना है. ये कट हो जाएगा इतना हाफ, और इसमें से एक इस तरह से काटना है और एक इधर से इतना ही काटना है. बाकी इसको इस तरह से काट देना है, बीच में से आधा ये काट देना है. ये हाफ हाफ हो जाएगा. तो उसको क्या करना है, इसको इतना ऐसे करके इसको इस तरह से कर ले ताकि ये दोबारा फोल्ड ना हो. और सीजर को ले जाके इधर यहाँ पे ले जाके इसको कट कर ले. इतना कट हो जाएगा, इसको थोड़ा और कट कर ले. और यहां से सीजर से डाल के इसको काट ले. इतना कट जाएगा, और ये आप इसको इस तरह से राउंड कर ले ताकि ये इसकी शेप आ जाए. और बीच में से इसको कट करना है यहाँ से. ये आपका गिमिक रेडी है, जैसे ये मैंने बनाया है. ये मैंने ब्लैक में बनाया था. आपका कोई भी पेन लेना है, रेड लेना है, ग्रीन लेना है, तो ये उसमें ही फिट होगा. तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के. अभी इस तरह से पेन में लगेगा. आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं. इस तरह से लगाएंगे तो एक पेन नॉर्मली दिखेगा ये. और यहां से ये हाइड करना है. अब क्या करना है, इस नोट को फोल्ड करना है, और इस तरह से पहले ये पेन को ले जाना है यहाँ पे, कि मैं एक पेन को थ्रू कर रहा हूँ. फिर आपको बताना है कि नहीं नहीं मैं एक पेन चेक करा लेता हूँ जब तक ये छूट जाएगा यहाँ पे. ये पेन चेक कराना है कि एक नॉर्मल पेन है, और ये यहाँ पे छोड़ना है. उसके बाद आप पेन थ्रू करेंगे यहाँ से, तो इसको 1 2 3 कहेंगे तो ये पार हो जाएगा. और आप इस तरह से दिखाएंगे तो ये लगेगा कि एक नोट में से आर पार हो गया पेन. ये आर पार दिखेगा कि एक नोट में से आर पार हो गया पेन. और उसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह से फोल्ड करना है, और ये इधर से खींचना है इस तरह से, ये बाहर आ जाएगा. और एक ये पेन को इस तरह से पकड़ना है, और ये नॉर्मल, अब नोट भी नॉर्मल ही है, कहीं से बीच में से होल नहीं हुआ इसके.